व व व रहमतुल्लाहि बरकातहू रब्बिल आलमीन सलाम असल रसूलिल अमीन व अला आलिही व वही वसाब अजमैन अमादा नाज़रीन आई प्लस देनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवाल के जवाबात देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल भेज कर इस प्रोग्राम के जरिए उनके जवाबात मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो वीडियो में अपना सवाल भेज दें आप चाहें तो ऑडियो में अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज दें या चाहें तो लिख कर भेज दें याद रहे इस नंबर पर आप कॉल मत करें बल्कि ये नंबर सिर्फ व्हाट्सअप का नंबर है इस पर आप सिर्फ अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और उसके जवाब आपको व्हाट्सअप पे नहीं दिए जाएंगे ना आपको कॉल करके बताए जाएंगे बल्कि उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोग्राम के जरिए आपके सामने रखे जाएंगे तो अगर इस प्रोग्राम के जरिए अपने सवाल के जवाब चाहते हैं तो आप इस नंबर को नोट फरमाएँ इस पर आप अपने सवाल वीडियो ऑडियो या लिख भेज सकते हैं लेकिन याद रहे जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो भी जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ तो नादरीन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं सवाल की फहरिस्त में हमारे पास सबसे पहले वीडियो में एक सवाल है उसको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है लखनऊ यूपी से मेरा सवाल यह है कि इशा की नमाज के बाद दो सुन्नत के अलावा चार रकात नफिल एक सलाम के साथ पढ़ी जाए तो कद्र में नमाज पढ़ने के बराबर है ये उस्मान भाई हैं लखनऊ से सवाल पूछ रहे हैं इनका कहना यह है कि इशा के बाद चार रकात नफिल क्या ऐसी है जिसको पढ़ने से शब क़दर की इबादत का सवाब मिलता है तो देखें इस ताल्लुक़ से तबरानी वगैरह में रवायात मौजूद हैं जिसमें ये बात मिलती है कि ईशा के बाद अगर कोई चार रकत नमाज पढ़ता है तो शब कदर की इबादत का उसको सवाब मिलेगा लेकिन ये सारी रवायात ज़ैफ़ हैं इनमें से कोई भी रवायत सही नहीं है इसलिए यह कहना कि ईशा के बाद चार रकत नफिल है जिसका खसूस नफिल है जिसको पढ़ने से शब क़दर का सवाब मिलता है ये गलत बात है ये साबित नहीं है अच्छा साथ में ये चीज़ भी वाजह रहे कि बाज़ सही रवायात में ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ पढ़ी फिर घर आए और चार रकत की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद में आप सो गए तो वो रवायत तो सही है लेकिन उससे भी कुछ लोग ये इसलाहाल करते हैं कि ईशा के बाद चार रकत है लेकिन याद रहे वो चार रकत ईशा के बाद यानी फ़ौरन बाद जो सुनत मददा है उसमें से नहीं है या अलग से कोई नमाज़ नहीं है बल्कि वो तहजद वाली नमाज़ है यानी आप सल्सम चार रकत पढ़ते थे उसके बाद फिर पढ़ते थे और कुल मिला की ग्यारह रकत होती थी तो वो तहजद वाली नमाज़ है वो कोई अलग से चार रकत नमाज नहीं है तो इसलिए उससे किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए जैसा कि बाद लोगों ने उसका ग़लत मखू समझ लिया है और वो बयान करते हैं तो खुलासा ये कि ईशा के बाद चार रकत नफिल नाम से कोई नमाज़ नहीं ईशा के बाद सिर्फ़ दो रकत है ईशा के बाद सिर्फ दो रकत है सुन्नत मक्कदा और उसके बाद फिर रात की नमाज है ग्यारह की नमाज है फिर फजर से पहले दो रकत है बस इसके अलावा कोई नमाज रात में नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वाली है अ, मेरे पास एक कपड़े की दुकान है उसमें गारमेंट्स की है जेंट्स भी है लेडीज भी है मेरा सवाल यह है कि जो इस तरीके के फैशन के दौर में जो कपड़े इस टाइम बिक रहे हैं आ, ये एकदम बेही जैसा है पतले कपड़े पतले लिबास पहनते हैं तो बेहियाई इससे आराम होता फैलता है और कुछ भी बेही जैसा कपड़े पहनती है, हैं लड़कियाँ और हम बेचते भी हैं तो क्या ये कपड़े बेचना सही है दुरुस्त है या नहीं है थोड़ा वजहत के रजा कर ये इम्तियाज़ अहमद साहब हैं इनका पूछना ये है कि हम ऐसे कपड़े बेचते हैं जो बेहई वाले कपड़े हैं यानी अधूरे कपड़े हैं शॉर्ट कपड़े हैं और लड़कियां पहनती हैं उसको तो क्या ऐसे कपड़े फरोख कर सकते हैं तो भाई ऐसे कपड़े आप नहीं बेच सकते जो चीज़ इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है उस चीज़ को बढ़ावा देने में आप कोई हिस्सा नहीं ले सकते तो लड़कियों का औरतों का आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलना इस्लाम में ये जायज़ नहीं है इसलिए ऐसे कपड़े आप फरोख्त नहीं कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं Assalamualaikum, Assalamualaikum, मेरा जाती मकान जिसमें तो खाली करके दूसरी जगह आ गया हूँ था और मैं दूसरी जगह आ गया हूं, से रह रहा हूँ और तकरीबन पंद्रह हजार किराया दे रहा हूँ अब जो मकान मेरा था उसको मैंने किराए पे दे दिया पाँच हजार रूपए मकान पे क्या उस मकान पर मेरी जक़त देना पड़ेगी मुझे भाई साहब कह रहे हैं कि ये दूसरी जगह रहने के लिए आ चुके हैं किराए पर रह रहे हैं और इनका जो असल मकान था उसको उन्होंने किराए पर दे दिया है तो क्या उस पर जक़त देना पड़ेगा नहीं मकान वगैरह पे कोई जक़ात नहीं है हाँ जो किराया आपको मिलता है उसकी अगर सेविंग होगी यानी खर्च नहीं होंगे आप रखेंगे साल गुजर जाएगा तो उस पर जक़ात है लेकिन मकान पे कोई जक़ात नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असल वरहुल्लि वरकूम मेरा नाम मोहम्मद नसीर है मैं कुछ दिन पहले एक सवाल किया था नमाज के बारे में जैसे फ़र्ज नमाज और सुन्नत नमाज में जैसे फर्ज नमाज में ताक़ात है तो दो में शौफातिया के साथ कोई और स्वत मिलाते हैं दोनों सिर्फ शौकिया पढ़ते हैं तो सेम सेम टू ऐसे सुन्नत में भी करना है कि सुन्नत में चारों रकात में में के साथ में, और कोई दूसरा मिलाएंगे भाई साहब का सवाल ये है कि जैसे फर्ज नमाज है मान लीजिए जहर की नमाज है तो उसमें शुरू की जो दो रकात हैं इसमें हम शोरे फातिया प्लस कोई और सूरत भी पढ़ते हैं आखिरी की जो दो रकात है इसमें शोरे फातिया पे इक्तफा करते हैं तो ऐसे हम सुन्नत पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे करना तो मेरे भाई इसका जवाब यह है कि जो सुन्नत है वो एक सलाम से आपको पढ़ना ही नहीं है चार रकत जो जहर के बारे में आता है कि जहर से पहले चार रकत सुन्नत एक सलाम से पढ़ना तो उससे मतलब जो सनात दाऊद इबन माजा की रवायत है वो सनदन ज़यीफ़ है वो साबित नहीं है इसलिए असल ये है नमाज के बारे में असल ये है कि दो रकत पढ़ी जाए और दो रकत के बाद सलाम फेर दिया जाए इसलिए सुन्नत पढ़ने में इसकी नौबत ही नहीं आएगी आप हर दो रकत पर सलाम फेर दें यह नौबत नफिल नमाज में सुनत नमाज में आएगी ही नहीं उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज होगी होगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अब मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक में श्री मौलाना का था वो कह रहा था कि जैसे नमाज पढ़ेंगे तो दो में सुबह फातिया के साथ कोई करेंगे दो में फातिया पढ़ेंगे और सुन्नत में चारों रकात में फातिया के साथ स्वाद मिलाएंगे तो क्या सही है क्या गलत है भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने किसी का बयान सुना है जो ये कह रहे थे कि फ़र्ज पढ़ेंगे तो शुरू की दो रकत में शुर फातह प्लस कोई शुरय पढ़ेंगे और आखिरी की दो रकत में सिर्फ शुर फात पर इतफा करेंगे लेकिन नफिल नमाज चार रकत हम पढ़ रहे हैं तो चारों में शुर फातिहा भी पढ़ना है और कोई सूरत भी पढ़ना है तो पता नहीं उन्होंने ऐसी बात कही है कि आपको सुनने में फ़र्क पड़ा है हो सकता है वो ये कह रहे हूँ कि नफिल नमाज में जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि नफिल नमाज में चार रकत पे सलाम फेरना एक सलाम से चार रकत पढ़ना यह किसी सही से साबित ही नहीं है तो इसलिए हो सकता उन्हों है उन्होंने कहा हो कि जब नफिल नमाज चार रकत पढ़नी है मान लीजिए जोहर से पहले चारकत जो सुन्नत है वो पढ़ना है तो चूँकि अलग अलग पढ़ना है तो सब में आपको सिर्फ आती है वालस कोई सूरत पढ़नी पड़ेगी तो हो सकता है ये आलिम साहब ने कहा हो और आपके सुनने में फ़र्क पड़ा हो आलम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकुम वरम् वक्त मेरा नाम मोहम्मद नासिर है मैं नेपाल का रहने वाला हूँ से एक मेरा सवाल ये था कि जैसे नमाज में दूसरा सजदा के बाद जो हम लोग खड़ा होते हैं तो वो डायरेक्ट खड़ा होना है कि पहले बैठ के फिर खड़ा होना है इसके बारे में थोड़ा वजाहत भाई एक भाई साहब हैं इनका पूछना ये है इनका सवाल ये है कि नमाज में रकत मुकम्मल करते हुए जब दो सजदा होता है लास्ट में तो जब खड़े होते हैं तो दो सजदे के बाद इसे डायरेक्ट खड़े हो जाना है या बैठ के फिर खड़े होना है तो देखिए इस सिलसिले में सही बुखारी की हदीस है हदीस नंबर 824 मालिक इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला की हदीस है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ की कैफियत बताते हुए नमाज़ सिखाते हैं और कहते हैं कि व इधा रफ़ा आरसानी सजदती सानियती जलसा व आत्मदा अलदामा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये होता था कि जब वो दूसरे सजदे से खड़े होना होता था तो क्या करते थे जैलसा दूसरे सदी के बाद बैठते थे अल-अर्ज और ज़मीन पे टेक लगाते थे तो मकामा फिर खड़े होते थे ये सही बुखारी की बहुत ही वाज हदीस है सरी हदीस है और भी बहुत सारी कुतब अदीस में ये रवायत मौजूद है इतनी वाज सही और सरी हदीस होने के बावजूद भी बाज़ तकलीदी मज़ाहिब ने इस सुन्नत का गला घोंट दिया है और इधर उधर की दुनिया भर की तावीलत करके चूंकि उनके मज़ह में नहीं है ऐसे दुनिया भर की खुराफा पैदा करके इस सुन्नत से लोगों को हटाने की कोशिश की है लेकिन ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए सही बुखारी की हदीस अपने बाब में बहुत ही वाज और बहुत ही क्लियर है बहुत ही सरी है इसलिए शेख अलबानी रह ने तमाम तमामा में उन लोगों का ज़बरदस्त रद्द किया है जो इस सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यास आर आई और तरह तरह की बातें करते हैं तो सही बात यह है कि सही बुखारी की हदीस हदीस नंबर आठ सौ चौबीस और भी कई कुतब अदीस में रवायत मौजूद है इससे बहुत ही वाज तौर पर यह साबित होता है कि दो सजदों के बाद बैठना है टेक लगाना है उसके बाद खड़े होना है इसको जल से इस्तराहत कहा जाता है यानी नमाज के जो जलसात हैं जो बैठने के कैफियात हैं उसके जो नाम दिए गए हैं उनमें से इस बैठक को फखा के यहाँ जल से इस्तराहत के नाम से जाना जाता है और ये सुन्नत से साबित है इसलिए इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है ऐसा करना चाहिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि कोई उज़रा रहा होगा कोई बात रही होगी ये सब बेकार की बातें हैं जब हदीस से साबित हो गया और अलग से आपके पास कोई सबूत नहीं है किसी उज्र की बुनियाद पर ऐसा किया है तो ये शोशा नहीं छोड़ना चाहिए वरना तो फिर नमाज़ की किसी भी कैफियत के बारे में कहा जा सकता है कि कोई उज़रा रहा होगा ये रहा होगा वो रहा होगा तो ये सब नहीं करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही वाज हदीस है कि सल्लुक हमारा इतमनी और नमाज़ वैसे पढ़ो जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ इसलिए जब साबित हो गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ से तो हमें भी उसकी पाबंदी करनी चाहिए उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं तो आ, ये भाई साहब का सवाल यह कि कि किसी चीज़ का कोई सामान छूट जाए सब्जी छूट जाए कुछ छूट जाए तो क्या करें तो देखिए अगर पूछने का मकसद ये है कि किसी का कोई सामान गुम हो गया है पड़ा हुआ आपको मिला है तो आप उसका क्या करें तो इसके ताल्लुक़ से पहले भी सवाल आताए हैं जवाब दिया जा चुका है कि अगर आपको मालूम है कि भाई फ़ला शख़्स का है तो आप वहाँ तक पहुँचाएँ वो नहीं कर सकते तो आप जो है बाकायदा उसको तलाश करें और ये सब नहीं कर सकते तो सब्जी ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ किसी दुकान पे कोई छोड़ गया है तो ज़रूर वो वापस आके कर लेगा इसलिए आप उसको हाथ नहीं लगा सकते जहाँ वहाँ रखे रहने दें वो चीज़ उठाई जाती है ना जो गुम होने का ख़तरा हो मतलब कोई गायब होने का खतरा हो और ये उम्मीद हो कि भाई दूसरा जिसका है वो वापस नहीं आएगा जैसे किसी का एक रुपया कहीं गिरा हुआ रास्ते में तो अब वो किसी सुनसान इलाके में गिरा हुआ है तो बहुत मुश्किल है कि एक रुपये के लिए कोई आए लेकिन ये कि सब्जी किसी दुकान पर कोई छोड़ के चला गया है कहीं पर के चला गया है तो उसको याद आएगा तो वापस लौटेगा उसको लेने के लिए इसलिए उसको हाथ नहीं लगा सकते उसको जहाँ वैसे उसको रहने देंगे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकुम मेरा ये सवाल है कि मेला जाना कैसा है भाई साहब कहते हैं कि मेला जाना कैसा है भाई मेले की पता नहीं क्या शक्ल है उस पर डिपेंड करता है कि जा सकते कि नहीं अगर मेले में खुराफात है कुछ शिकिया कुफ्रिया बातें हैं या बेहयाई हैं बेहाई की चीज़ें तो नहीं जाना चाहिए उनको और अगर मेला से माला सिर्फ कोई मार्केट है बाजार है वहाँ कुछ सामान मिलता है या बच्चों की खेल कूद की चीज़ें हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं कोई मसला नहीं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलम वाले वरह से अब्दुल करीम खान बोल रहा हूँ बिजनेस में अगर अल्लाह को कोई पार्टनर बनाता है और उस पार्टनर में मुनाफा जो आता है उस मुनाफे को तकसीम करने का तरीका बताएं या अपने रिश्तेदारों में उस पैसे को दे सकते हैं या दीन के काम में दे सकते हैं दूसरा सवाल पोस्टेट का इलाज चलने पे हज या उमरे पे जाते हैं और एहमाम बांधने के बाद अगर यूरिन का कतरा आता है उस में क्या तरतीब है बरए मेहरबानी बताएं ये इंदौर से अब्दुल करीम खान साहब का सवाल है दो सवाल इन्होंने किया है एक तो ये कि पार्टनर कोई किसी को बनाए हैं तो नफ़ा को क्या करें मैं इनका सवाल सही से नहीं समझ सका नफ़ा के बारे में पूछने क्या करें भाई नफ़ा जो है वो तो पार्टनर के साथ जो तय होगा उस हिसाब से करेंगे अगर जायज़ तजारत है और सूद वगैरह का कोई मसला नहीं है तो आपस में दोनों का जो तय होगा उसी हिसाब से नफ़ा उसको देंगे इधर उधर क्यों करेंगे उसको बाकी कुछ और पूछना चाहते तो आप फिर से सवाल भेजें मैं आपका वाज तौर तो पर समझ नहीं पाया कि ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि नफा का क्या करेंगे वो तो जाहिर सी बात तो है कोई पार्टनर है आपका जो नफा आपस में बांटेंगे उसको जैसा तय हुआ है उस हिसाब से आपका दूसरा सवाल ये है कि हज उम्र पे कोई जाता है और पेशाब टपकने की बीमारी है तो क्या करें तो देखिए हज उम्रे में जहाँ पे तहारत शर्त है ज़रूरी है तो जैसे नमाज़ पढ़ना है तवाफ़ करना है वगैरह वगैरह तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है यानी जो है कसरत से ये बीमारी आपको लाइक नहीं है तब तो कोई मसला नहीं नमाज के वक्त तो आप उसका एहतियात करेंगे लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर क्या है आप कोई चीज़ पहन लेंगे यानी इससे अहराम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हज उम्र की सूरत में ये मजबूरी है उज़्र है, है तो उज़र के बिना पर कुछ चीज़ आप पहन सकते हैं यानी शर्मगाह पे कोई चीज़ लपेट सकते हैं कोई चीज़ बांध सकते हैं ये उज़्र की बना पर लेकिन इसके लिए क्या है इसके लिए फिर फिदिया देना पड़ेगा आपको जो है दम देना पड़ेगा या छ मिसकिन को खाना खिलाना पड़ेगा तीन दिन का रोज़ा रखना पड़ेगा यह करना पड़ेगा आपको तो अगर ये दिक्कत है कुछ बांधने तक की नौबत आती है तो फिर आप उस पर बांध भी सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन नमाज अगर आपको मौका मिलता है कि आपको लगता है कि लंबे मुद्दत तक इसके शिकार आप नहीं रहते हैं तो फिर आप नमाज से पहले आप जो है सफाई हासिल कर लेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि मुसलसल ख़तरा टपकते रहते हैं कोई गुंजाइश नहीं तो हर नमाज के लिए आप अलग अलग वजू करेंगे उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मैं मोहम्मद यासीन मैं एक कंपनी में काम करता हूं जिसमें से मुझे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता और दूसरा मैं पांच वक़्त की नमाज अपने रूम में ही पढ़ता हूं और असर की नमाज़ के लिए मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं छः बजे छुट्टी करके और तुरंत वजू करके मैं असर की नमाज़ अदा करता हूँ जिसमें मगरिब का नमाज़ साढ़े छः बजे का टाइम है क्या हजरत जाए दुरुस्त है नमाज़ पढ़ना इसका जवाब चाहिए भाई साहब ने सवाल किया कि कंपनी में काम करते हैं जुमा पढ़ने का मौका नहीं नमाज है नमाज़ डिस्टर्ब है बहुत सारी बातें हैं देखिए इस तरह के सवाल जब आते हैं मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि ये सवाल कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप क्यों करते हैं कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्यों नहीं करते ये अजीब सा मामला होता है कि लोग हर चीज़ की इंक्वायरी करेंगे कहाँ रहना है क्या सैलरी है क्या फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ इंक्वायरी कर लेंगे सिर्फ नहीं पूछेंगे तो नमाज़ के बारे में नहीं पूछेंगे तो मस्जिद के बारे में तो ये सवाल करने का वक्त नहीं होता है कि आप कहीं पे ज्वाइन हो जाए कहीं शिफ्ट हो जाए उसके बाद आप सवाल करें कि नमाज़ का क्या करें पहले आपको सवाल करना चाहिए कि ऐसी कंपनी ज्वाइन कर सकते कि नहीं तो ऐसी कंपनी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए ऐसे जगह काम ही नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि वहाँ जाके आपकी जुमा चली जाए आपकी नमाज चली जाए तो पहली फुर्सत में जिस कदर हो सके ऐसे काम और ऐसे कारोबार तर कर देना चाहिए जहाँ आपकी इबादत दाव पर लग जाए और ये नहीं बोलना चाहिए कि इस दुनिया में पैदा होने का मकसद सिर्फ यह पैसे कमाना और अपनी पूरी तवानाई और पूरी मेहनत झोंक देना ये माश के लिए यह मकसद नहीं है असल मकसद अल्लाह ताली की इबादत है वमा वामा खलिल्लादून हमने इंसानों और जिनातों को पैदा किया ताकि वो जो है हमारी इबादत करें तो अल्लाह की इबादत यह असल मिशन होना चाहिए उस पर फ़र्क नहीं आना चाहिए तो उस इबादत को करते हुए जो काम आप कर सकते हैं वही काम करना चाहिए ऐसा सारा काम छोड़ देना चाहिए जब तक है कोई दिक्कत है यानी मसला नहीं मालूम था अनजाने में सब हो गया है तो फतः हम तुम जितना हो सके जो है नमाज की पाबंदी करें उसमें सुस्ती व वकाली ना करें जब तक आप हैं जब तक हर नमाज पढ़ते रहें लेकिन जितना जल्द हो सके ऐसी जगह से निकल जाए जहां पूरी नमाज डिस्टर्ब रहती है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वरह हजरत मेरा सवाल ये था कि क्या ये कुरान में वाक़ आया है कि हजरत मूसा सलाम ने एक गोश का टुकड़ा मांगा तो किसी ने नहीं दिया तो एक बाबा मिले मतलब वली तो उन्होंने अपने जिसम का टुकड़े मतलब पैर का हाथ का हर तरफ का मतलब उन्होंने अपने गोश्त का टुकड़ा दे दिया अल्लाह के नाम पे तो तोहत मूसा सलाम जब ले करके गए अल्लाह ताला की तारगा में तो अल्लाह ताला ने कहा क्या मूसा तूने क्यों नहीं दिया इस तरीके का वाकया क्या कुरान में है भाई साहब का सवाल ये है कि पता नहीं कोई गोश्त का टुकड़ा मांग रहा था तो किसी ने अपने जिसम के हर हिस्से से टुकड़ा काट के दे दिया तो भाई साहब पूछ रहे हैं क्या ऐसा वाक्य कुरान में ऐसा वाक्य कुरान में नहीं है और ना ये चीज़ अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक हो सकती है कि अपना जिस्म काट के दे देना यानी कोई गोश्त का टुकड़ा मांगे और कोई अपना जिस्म ही काट के दे दे तो ये चीज़ जो है किताब व सुन्नत के की तालीमात से मैल नहीं खाती है तो इस तरह की कोई बात कुरान में नहीं है ना इस तालुक से कोई हदीस हमारे इल्म में है हो सकता है कोई इसराइली रवायत हो तो उसमें सच बातें भी होती हैं झूठी बातें भी होती हैं लेकिन कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं आप ख़ास तौर से कुरान ही से मुतिक सवाल कर रहे हैं तो कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वाले एक बचपन के दोस्त हैं जो कि सात आठ हज़ार रुपये महीना कमाते हैं और उनका एक प्लाट है जिसका किराया भी सात आठ हज़ार रुपये आता है उनकी फैमिली में उनकी बीवी है चार बच्चे हैं उनका गुजर बसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों की पढ़ाई और दीगर अखराज बीमारी दुखी, वो प्लाट है उनका जिससे उनको आठ हजार रुपये आते हैं और आठ हजार रुपये कमाते हैं और वो प्लाट काफ़ी टाइम से बेचना चाह रहे हैं लेकिन उसके पैसे नहीं मिल रहे अच्छे बेच भी नहीं पा रहे कि वो आगे कुछ कर रहे हैं तो अभी की कंडीशन उनकी ठीक नहीं है गुजर गुजर बड़ी मुश्किलों में चल रहा है क्या उनको दी जा सकती है भाई साहब ने किसी फैमिली के बारे में पूछा है कि उनके पास प्लाट है कुछ चीज़ें हैं अच्छा प्लाट पे कैसे पैसा आ रहा समझ में नहीं आ रहा बहरहाल आलम क्या सोचते हालांकि लेकिन ये कहना ये चाहते हैं कि कुछ ज़रिए आमदनी है लेकिन उससे घर के अखराज पूरे नहीं होते तो क्या ऐसे शख्स को ज़क़ात दे सकते हैं जी बिल्कुल दे सकते हैं अगर किसी के पास ज़रिए माश है लेकिन उससे उसकी फैमिली के अखराजात पूरे नहीं होते हैं तो वो मुस्तक है वो मस्किन है उसे आप ज़क़ात दे सकते हैं सूर्य अहब में है ना कि कुछ लोग कश्तियाँ चलाते थे समंदर में तो उन्हें ने मस्किन कहा है ये कि ये मसाकिन थे जिनकी कश्तियाँ थी और समंदर में काम करते थे सवारी इधर से उधर ले जाते थे तो देखिए उनके पास कारोबार है लेकिन फिर भी उनको मस्किन कहा गया जैसे आज मुंबई में कोई ऑटो चला रहा है तो उसके पास ये कारोबार है लेकिन कमा रहा है वो लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस कमाई से घर के सारे अखराज पूरे हो जाएं तो ऐसे लोगों को जक़ात दे सकते हैं है तो देखिए आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकम मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सवाल ये है कि रिश्तेदारी में शादी मतलब कैसा है हमारे यहाँ के मौलवी मौलाना तो ऐसा पेश करते हैं कि अगर रिश्तेदारी में शादी ना की तो उनका बस चले तो कत्ल का हुक्म जारी कर दें तो आप ये बताएं ये कैसा है मतलब हराम है हलाल है वाजिब है सुन्नत है फर्ज है क्या है भाई साहब का पूछना है कि रिश्तेदारी में शादी करना कैसा है आ, कहीं पे इन्होंने सुना है कि वो रिश्तेदारी में शादी करने की तरगीब दे रहे हैं बाकी ये कहना कि किसी ने उसको वाजिब करार दिया है और ऐसा ना करें तो कत्ल कर दें तो ये बेकार की बातें हैं या आपकी गलतफहमी है आपने सही से सुना नहीं होगा क्योंकि उलमा कम्युनिटी की तरफ से ऐसी कोई बात कभी नहीं आई है कि किसी ने ऐसा कह दिया हो कि रिश्तेदारी में शादी करना वाजिब है तो ऐसी ना कोई आयत है ना हदीस है ना कोई आलिम ऐसा कह सकता है अगर कोई चीज़ मुमकिन है तो सिर्फ ये मुमकिन है कि आपने गलत सुना है या गलत समझा है वरना कोई आलिम इस तरह की बात नहीं कर सकता है तो ख़ुलासा ये कि रिश्तेदारी में शादी करने का हुक्म तो नहीं है लेकिन अगर कोई रिश्तेदारी में शादी करता तो ये अच्छी बात है आज के हालात में देखिए शादी करना कमाल नहीं है शादी का टिकना ये देखना चाहिए तो रिश्तेदारी में शादी होती है दोनों फैमिली का दबाव रहता है और सब जाना पहचाना रिश्ता रहता है कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती है वो शादी टिकाऊ रहती है और एक अजनबी घराने में जब शादी होती है तो नहीं मालूम क्या उनका बैकग्राउंड है क्या मिजाज़ है क्या चीज़ है तो ऐसी शादियाँ ज़्यादा कामयाब नहीं होती हैं तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं मशवरा देते हैं उनका मशवरा देना बिल्कुल ठीक है कि रिश्तेदारी में शादी करना चाहिए हम भी मशवरा देते हैं रिश्तेदारी में शादी करनी चाहिए वो शादी मज़बूत होती है बाकी कहीं भी शादी कर सकते हैं कोई मसला नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगर बहन ने हिस्सा अपना माफ़ कर दिया है उसके बाद क्या बाद में कुछ दिन के बाद या साल भर दो साल कभी भी क्या फिर वो उस पर हक जमा सकती है आके हिस्सा मांग सकती है भाई साहब कह रहे हैं कि बहन ने हिस्सा माफ़ कर दिया है तो क्या दोबारा हिस्सा मांग सकती है अरे भाई मांगना तो दूर की बात हम तो कहते हैं छीन सकती है अगर उसके पास बाद में पावर आ जाए ताकत आ जाए तो जाके छीन लेना चाहिए भाइयों से मांगना क्या है अगर उसका शौहर मज़बूत हो अच्छे घराने में शादी हुई है उसके बेटे जवान हो गए मज़बूत हो गए तो सीधा जाके छीन के लाना चाहिए अपना हिस्सा मांगना नहीं चाहिए भाइयों से छीन लेना चाहिए कि तो तुमने क्यों हमारा दबा के रखा है और ये जो कहते हैं ना कि बहनों ने माफ़ कर दिया तो ये ढकोसला है कोई बहन माफ़ माफ़ नहीं करती है और उस पर दबाव डाल के ब्लैकमेल करके आप उससे कहलवाते हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया है तो इसको माफ़ी नहीं बोलते हैं तो बहरहाल आपका ये पूछना है कि माफ़ कर दिया तो ले सकती कहीं बिल्कुल ले सकती है क्योंकि असल में उसने माफ़ी नहीं किया ये शैतानी वसवसा है जो आपके जहन में है कि बहन ने माफ़ कर दिया है इसलिए वो माफ़ नहीं करती है भले उसने मुँह से कह दिया हो कि हमने माफ़ कर दिया लेकिन माफ माफ वो नहीं करती है इसलिए जब उसको ताकत मिले जब वो पावर में आए मतलब उसके मजबूत पहलवान बेटे पैदा हो गए उसका शौहर पहलवान है तो इस सबको इकट्ठा करके भाइयों के घर पे धावा बोल के और पूरी तरह से सब छीन के लाना चाहिए अपना सारा हिस्सा बिल्कुल नहीं देना चाहिए भाइयों को कतन नहीं देना चाहिए इन लोगों ने मतलब पूरे हिंदुस्तान में बेड़ा करके रखा है विरासत का और सत्यानाश करके रखा है और अपनी मनमानी चलाते हैं पूरे मुल्क में कोई एक मिसाल नहीं मिलती है कि जहाँ किसी भाई ने दे दिया हो अपना हिस्सा बहन को हमेशा बहनें ही देती फिरती हैं और तो ये देती होती नहीं है बल्कि उनको मजबूर किया जाता वो समाज के दबाव में भाई दबे लफ्ज़ों में या चुपके चुपके से या इशारे किराए में जो है भाई जो है धमकाता रहता है तो उस खौफ से जो है बहन कह देती है कि हमको नहीं चाहिए बहुत कई तरह का दबाव होता है इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने दे दिया जैसे शादी में देखिए जहेज का मसला है कि शादी के वक्त लड़की वाले दे देते हैं तो अब लेने वाला बेगैरत यह कहे कि हमको तो उन्होंने दिया हमने मांगा नहीं थी बेकार की बात है अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी तो मजबूरन बंदा देता है तो उस मजबूरी की वजह से ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी खुशी से दिया है अपनी मर्जी से दिया है बल्कि उस पर यह लाजिम है कि जब उसको होश आए यानी बेहोशी में ले लिया है जब उसका नशा उतरे माल का और जब उसे होश में आए तो जितना जहेज लिया है पहली फुर्सत में उसको वापस करना चाहिए तो ऐसे विरासत का मसला है कि ये भाई ने जो दबा लिया है बहन को मांगने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए भाई की खुद जिम्मेदारी है कि पहली फुर्सत में उसको वापस करें लेकिन अगर भाई वापस नहीं करता है बहन के पास ताकत आ गई है पावरफुल हो गई है उसका शौहर मजबूत है उसके बच्चे मजबूत हैं उसका ससुराल मजबूत है तो जो कार्रवाई कर सकती है वो जो तरीका उसके बस में है हर तरीका अपना के भाइयों से छीन के लाना चाहिए वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए ताकि ये समाज में सुधार हो और जिस तरह से बहनों का हक मार के बैठे हुए हैं ये लोग ये लोग सुधरें और उनको ऐसी मिसाल कायम करना चाहिए तो बहरहाल ये जो आपने शुरू में जो कहा ना कि माफ़ कर दिया था तो ये वसवसा जहन से निकाल दीजिए कि उन्होंने माफ़ कर दिया और ये बात ये भी जहन में रखें कि अगर उनको अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो आपने कैसे दबा लिया उसको अगर आपकी बहन को आपका हिस्सा नहीं चाहिए तो आपने क्यों रखा भाई ने क्यों रख लिया उसको भाई बहन को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो बहन का करीबी रिश्तेदार रखेगा बहन का सबसे करीबी रिश्तेदार विरासत के मामले में उसका बेटा होता है अगर उसका बेटा है बहन को नहीं चाहिए तो उस क्या उसकी शादी नहीं हुई उसका बेटा नहीं है बेटा रखेगा उसको उसका शौहर ले सकता है या उसकी दूसरी बहन है उनको दे सकती है उसकी मर्जी है ना जिसको दे उसकी मर्ज़ी है जिसको दे आप कौन होते हैं उसको रखने वाले अगर उसको हिस्सा नहीं चाहिए तो आपने कैसे उसको रख लिया तो बहरहाल ख़ुलासा ये है कि अगर बहन बाद में मांग रही है तो वो मांग सकती है बल्कि वो छीन के भी ले सकती है क्योंकि जो ये आप कह रहे हैं ना कि उसने माफ़ कर दिया ये बात ही खिलाफ हकीक़त है कोई बहन माफ ऑफ नहीं करती ये शैतानी वसवसा ये ढकोसला है अगर अपने मुंह से कह दे तो भी उसका कोई एतबार नहीं है क्योंकि दिल से वो नहीं बोलती वो हैबा नहीं करती और हैबा कैसे होगा उसके पास गया ही नहीं माल भाई उसके पास बहन के पास माल गया ही नहीं आपने उसको बेचारी को दिया ही नहीं तो दिया ही नहीं तो आइए कैसे कहते हैं माफ कर दिया छोड़ दिया पहले आप ऐसा करें कि सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको दे दें चार पांच साल तक उसके पास पड़ा रहने दें उसके बाद मांगे कि आप अपना शाम को दे दो अगर वो दे दे तो ठीक है लेकिन आपने दिया ही नहीं पहले दबा लिया और कहा कि उन्होंने माफ़ कर दिया तो ये जो है डकैती है ये चोरी है और ये बहुत बड़ी जो है मक्कारी है तो इसे तोबा करना चाहिए बजाय इसके कि बहनों पर जो है जुमले कसें कि उन्होंने माफ़ करके दोबारा मांग रही हैं खुद तोबा करना चाहिए अपनी इस मक्कारी से बाज आना चाहिए और जितना भी बहनों का दबा के रखें भाई लोग चुपचाप दे देना चाहिए और अगर बहनों को ताकत मिलती है तो उनको जाके मांगना चाहिए मांगने पर ना दे तो उसको छीन लेना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अल्लाम वरम्हर मैं जानना चाहता हूँ कि इमाम साहब अगर नमाज पढ़ाए और वो रुको में चला जाए और उसके बाद में वो में शामिल हो गया तो क्या वो रकत पूरी होगी या अधूरा होगी भाई साहब का जो सवाल है उसे ही समझ में आया कि ये पूछना चाहते हैं रुकू में मिलने से रकत होती है कि नहीं ये सवाल बार बार आता है हमने इसी प्रोग्राम में इसका कई बार जवाब दिया है आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लें खुलासा सिर्फ मैं आपके सामने जिक्र करूँगा कि रुकू में मिलने से रकत नहीं मानी जाती है क्यों दो वजह है इसलिए कि शुरिया आपने नहीं पढ़ी है और क्याम भी आपका छूट गया है इसलिए ये रकत दोहरानी पड़ेगी जो लोग कहते हैं कि हो जाएगी वो ज़ीफ़ या तो सही हदीस से ग़लत इसल करते हैं या ज़ीफ़ और मरदूद रवायात का सहारा लेते हैं इसलिए सही बात जमाम बुखारी रमल्ला का मौफ़ है उनके बाद उस का मौकफ़ है और हिंदुस्तान के आम अहले हदीस का मौफ़ है कि रुकू में मिलने से रखत नहीं होती है यही बात दुरुस्त है बाकी तफसील जानना है तो इससे पहले कई एपिसोड में और कई प्रोग्राम में ये बात तफसील के साथ के साथ रखी जा चुकी है उम्मीद है कि बात आपके लिए काफ़ी होगी तो नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपके सामने वाजह करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें इस प्रोग्राम के जरिए उनके जवाब मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे जो सवाल वीडियो या ऑडियो की शक्ल में हमें मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो उसके जवाब की वाक़ता आपको जरूरत हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएं नाजरीन आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल आते हैं उनको भी देखते हैं देखते हैं अगला सवाल अलमैकम मेरा नाम मोहम्मद वसीम मैं कर्नाटका से हूँ असल और मेरा सवाल ये है कि अल तक क्या क्या होता है क्योंकि मैंने सुना है एक मलिक की तरफ से कि उसने किसी से सुना है कि अल्तकिया यानी झूठ बोलना होता है और वो झूठ जायज़ है इस्लाम में ऐसा कहा है उसने आप थोड़ा जवाब है ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि अल तकिया क्या होता मेरे है मेरे ख्याल से ये तकिया बोल रहे हैं ये शिया लोग लोगों के यहाँ ये चीज़ पाई जाती है तकिया यानी ऊपर से कुछ कहना अंदर से कुछ हो तो ये उनका मसला इस्लाम का मसला नहीं है इस्लाम में झूठ बोलना जायज़ नहीं है तो ये बात शिया हज़रा की यहाँ ये इसलाह पाई जाती है तकिया की कि अंदर कुछ बाहर कुछ तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो जो भी शख्स ये कहता है कि इस्लाम में झूठ बोलना जाए उससे पूछिए इस की क्या दलील है कुरान में क्या में क्या दलील दलील है? है? ये उससे सवाल किया जाए और बाकी अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत कर रहा है तो इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं है कि के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी का नहीं होगी एक भाई साहब का कहते हैं देवबंदी के पीछे नमाज होती है कि नहीं उसका अकीदा है कि अल्लाह तो ताली हजर नाजिर देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि उसके पीछे नमाज होती है कि नहीं अकीदा खराब है ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि नमाज होती है कि नहीं ये सवाल कीजिए कि उसके पीछे नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह के मामला में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि कोई इमाम बदा है उसका अकैदा से उसके पीछे नमाज मत पढ़िए लेकिन आप उसकी तकफीर मत कीजिए आप इस बहस में मत जाइए कि नमाज होगी कि नहीं होगी इसको मिसाल से मैं यूं कहता हूँ कि अगर आपको अपनी बेटी का रिश्ता देखना हो और एक लड़का जिसे आप देख रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं आपको पता चले वो शराब पीता है जुआ खेलता है नशा करता है तो आप क्या किसी आलिमी से पूछेंगे कि उससे बेटी की शादी करना जायज़ है या ना जायज़ आप ये बहस ही नहीं करेंगे सवाल नहीं उठाएंगे सीधा आप उसको रिजेक्ट कर देंगे बल्कि सरातन सारे मुत्तफिक होकर फतवा दे दें कि ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी जायज़ होगी तो भी आप नहीं करेंगे तो जब रिश्तेदारी का मसला आता है तो आप इस पर बहस नहीं करते हैं कि जायज़ है कि ना जायज़ आप इस पर बहस करते हैं बेहतर क्या है बेस्ट क्या है तो ये ख़राबी देख के आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं तो आपको नमाज पढ़नी है आपको लगता है कि आप देख रहे हैं कि आपका इमाम शिरकिया किधर रखता है खुफिया किधर रखता है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए आपको जगह चेंज कर देना चाहिए आप किसी वाहि त्हिद वाला जो इमाम है उसको उसके पास जाना चाहिए और इस बहस में नहीं आना चाहिए कि उसके पीछे नमाज जायज़ है नहीं जायज़ है नमाज होगी नहीं होगी ये बहस छोड़ देना चाहिए जिस तरह से आपको रिश्ता करते वक्त लगे कि जो लड़का आप देख रहे हैं वो शराबी है कबाबी है जुआरी है नशा करता है तो आप इस बहस में नहीं जाएंगे कि शादी जायज़ है यानी आप जगह पर उसको रिजेक्ट कर देंगे तो ऐसे किसी इमाम के बारे में आपको लगे कि वो शिरकिया कीदा रखता है खुफिया अकीदा रखता है तो जगह पे उसको रिजेक्ट कर दें और इस बहस में ना जाएं कि वो मुसलमान है कि काफ़िर है क्या है वो बहस छोड़ें लेकिन उसके पीछे न मानना पड़े उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया हो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असल वरम् वास्तव क्या हाल है मेरा नाम सज्जा है ये और मैं पाकिस्तान गोरे से हूँ तो, तो, तो मैं सऊदिया भी हूँ मेरा यह सवाल है कि ये कि मेरा एक दोस्त है वो तो सऊदिया में है मेरे साथ तो उसका मुश्किल ये कि उसकी वालदा बचपन में फौट हो थी तो वो एक भाई और तीन बहने थी और उसके बाद में दूसरी शादी कर ली ना तो उसमें से एक लड़का है वो यानी कि सऊदी आ गया तो उसने जो भी कमाया अपने बाप को दिया था वगैरह जो कुछ बनाया बहनों की शादी की तो बाद में ना उसकी भी शादी कर दी बाप ने और उसको बाद साल डेढ़ दो साल बाद उसका ना अलीहदा कर दिया अलहदा कर दिया यानी कि जायदाद से कर दिया और शायदी जायदाद जो भी थी वो अपने यानी कि बेट पहल दूसरे बेटे के नाम करवा दी तभी वो परेशान है कि वो ना ही सात साल हो गए इस मसले को और बाप बात भी नहीं करता पाए पता भी नहीं है वो बोलता मैंने नहीं बात करनी ये हो है। तो उसने ना यानी कि बात भी ख़त्म कर दी तो फिर डेढ़ साल से उसका काम भी नहीं चल रहा और वो परेशान है और इस मसले पर नए रहन फिर मे जो है ये भाई साहब है सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं इनका पूछना ये है कि एक शख्स का एक बेटा था तीन बेटियां थीं बाद में उस शख्स ने क्या किया दूसरी शादी कर ली उससे भी बेटा हुआ तो ये जो पहला बेटा था जो कमा वमा के बाप को देता था ख्याल करता था जब उसके बाप ने दूसरी शादी की उससे बच्चे हुए तो इसको इग्नोर कर दिया बल्कि ज़्यादा से बेदखल कर दिया शायद यही ये असर पूछना चाहते हैं कि इसका क्या हुक्म है तो देखिए इस्लाम में एक बाप को ये इजाज़त ही नहीं है उसको ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ज्यादा से बेदखल कर दें अगर किसी ने कह भी दिया है कि मेरे मरने के बाद इसको हिस्सा ना मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी बात की कोई मानता नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो इस्लाम में ये किसी को हक हासिल नहीं है कि अपनी औलाद को जायदाद से बेदखल कर दे ये उसको राइट ही नहीं है वो कर ही नहीं सकता है इस्लामी अदालत हो तो बेटा कभी भी बाप के मरने के बाद जाके क्लेम कर सकता है कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है तो इस्लामी कानून मीरास की रूह से ना कोई बाप अपने किसी बेटे को ज़्यादा दे सकता है ना उसे छीन सकता है उसका जो हक अल्लाह ने बताया वो हक मिलकर रहेगा अल्लाह के बताए हुए हक़ से ज़्यादा ना बाप दे सकता है ना उसको ले सकता है तो इसलिए ये जहालत का मसला है नहीं मालूम है बाप बेटे को नहीं मसला पता होगा इसलिए ये दिक्कत आती है तो उनको जाके मसला बताना चाहिए कि कोई भी बाप अपने बेटे को बेदखल नहीं कर सकता और वो उसके बेटे पहली बीवी से हो दूसरी से हो तीसरी से हो चौथी से हो उससे कोई लेना देना नहीं सारे बेटे एक जैसे हैं प्रॉपर्टी में विरासत का जो ताल्लुक है वो सबका यकसा है वो किसी पहली बीवी से हुआ दूसरी बीवी से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बेटे हैं जैसे पहले बेटे का हक वैसे दूसरे बेटे का हक उसमें कोई जो है कमी जाती नहीं किसी ने बाप की खिदमत की है किसी ने नहीं की है कोई मानता है नहीं मानता उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं महज़ खूनी रिश्ते पर वो हक हाँ बनता है उस हक़ हाँ को कोई हिला नहीं सकता है इलाई कि बेटा मुरतज हो जाए काफिर हो जाए या बाप को क़त्ल कर दे इस तरह की कोई हरकत करे तो वो हिस्सा करता है वरना वो हिस्सा ख़त्म नहीं हो सकता तो ये चीज़ें उन्हें समझाने की ज़रूरत है उम्मीद बातें आपके लिए वाजे होंगी। एक डेढ़ पहले इंतकाल मेरे भाई का तो ये मेरे सवाल है जैसे हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं पढ़ाई करते हैं जैसे कुलव पढ़ते हैं कोई भी कुरान शरीफ में बिल्कुल पढ़ते हैं तो क्या मेरे भाई को इस चीज का पता चलता है क्या मुर्दे को इस का पता लगता है कि उसके क्या मुर्दे की पता चलता है कि उनके जरिए पढ़ा जा रहा है दुआ की जा रही क्या उनको पता लगता है इस चीज़ का नहीं भाई साहब कह रहे हैं कि इनके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है तो वो उनके लिए कुछ पढ़ रहे हैं कुल चारों कुल या कुछ कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और उसका सवाब उधर पार्सल कर रहे हैं तो कहते हैं कि क्या ये उनको पता चलता है मेरे भाई सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कुरान की आयतें पढ़ के किसी को बख्शना ये और हदीस से साबित ही नहीं इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है ये खालिस इबादत का मसला है और बग़ैर सबूत के ये अमल नहीं करना चाहिए ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं ना उनको पता चलना तो दूर की बात आपको उसका सवाब भी नहीं मिलता है बल्कि उल्टा और गुनाह मिलेगा क्योंकि ये बिदत है बिदत पर अमल करने से सवाब नहीं मिलता है बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है हर जुमा के खुतबे में खुतब हाजा में जब ख़दीब खुतब हाजा पढ़ता है तो वहाँ पर यह अल्फाज भी पड़ता है कि व कुल्ला ज़लालतिन फ़िनार कि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीज़ है तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ अपने भाई के लिए कुछ पढ़ रहे हैं उसको पता चलता है कि नहीं अरे आप भाई का छोड़िए अपनी फिक्र कीजिए कि आप ये किन चक्करों में पढ़ गए कि आप कुरान पढ़ के उसको बख्श हैं ये किस तरह सिखा दिया आपको तो ये चीज़ कुरान साबित नहीं बल्कि ये बिदात है और बिदात का मरतकब ख़ुद अपने सर पर रहा होता है आ, भाई को सवाब पहुंचाना उसे फ़ायदा पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है और दूसरी चीज़ जो असल आपका पूछना है कि उसे पता चलता है कि नहीं पता चलता तो भाई जो इस दुनिया से चला गया उसे इस दुनिया की कोई ख़बर नहीं रहती है जो यहाँ से चला गया उसे यहाँ के लोगों की कोई ख़बर नहीं होती है लेकिन असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वे कि आप इन चक्करों में मत पड़िए आप अपने भाई के लिए कुछ कर सकते हैं तो सदका खैरात करें हैं हाँ? कि कहीं मस्जिद बनने उनकी तरफ से पैसे लगा दें किसी गरीब को दे दें ये सब माली सदका करें उनकी तरफ से लेकिन ये कुरान पढ़ के बख्शना ये गलत बात है ख़ुद ये ये बिदत है इससे अप, आपके भाई को सवाब पहुंचना तो दूर की बात है खुद आपको नहीं पहुंचेगा बल्कि उल्टा आपको गुनाह मिलेगा इसलिए इन बिदात से तोबा कीजिए अल्लाह तला तो से माफ़ी मांगिए क्योंकि ये चीज़ कुरान देश से साबित नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकुम वरह वरक शेख मैं अब्दुलसलम बोल रहा हूँ सिद्धार्थ नगर ज़िले से ककराँव बाज़ार का रहने वाला हूँ कसर नमाज कितने किलोमीटर पे किया जाता है कसर की नमाज़ कितनी दूरी के आसले पे आदमी पढ़ सकता है जब्दुलसलम भाई हैं सिद्धार्थ नगर से सवाल पूछते हैं कि कसर की नमाज़ कितनी दूरी पर पढ़ सकते हैं देखिए कुरान हदीस की रोशनी में कोई दूरी नहीं बताई गई है कि कितनी दूरी पर आप कसर की नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें कुरान हदीस में आपको सफ़र मिलेगा सफ़र यानी सफ़र में अगर आप हैं तो आप कसर करेंगे सफ़र में नहीं है तो नहीं करेंगे चाहे दूरी कम हो चाहे ज़्यादा हो और सफ़र किसको कहते हैं ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग तय करेंगे यानी अगर आप फील करते हैं कि आप मुसाफिर हैं लोग समझते हैं कि आप मुसाफिर तो आप कसर करें चाहे जितनी दूरी हो और अगर लोग आपको मुसाफिर नहीं मानते हैं तो आप कसर नहीं करेंगे चाहे जितनी दूरी हो तो असल मसला उर्फ पे है कि दूरी पे नहीं है उर्फ पे है कि लोग आपको मुसाफिर मानते हैं कि नहीं आप अपने आप को मुसाफिर मानते कि नहीं तो अगर मुसाफिर हैं लोग मुसाफिर मानते हैं तो करेंगे वरना नहीं देखिए यहाँ मुंबई में लोग तीस तीस किलोमीटर रोजाना अप डाउन करते हैं कोई उनको मुसाफिर नहीं बोलता है कहीं और जगह तीस किलोमीटर कोई चला गया तो मुसाफिर उनको मानेंगे तो एक ही आदमी वो दूरी तय करता है वो मुसाफिर नहीं दूसरा मुसाफिर है तो यही देखना चाहिए कि कहाँ के लोग किसको मुसाफिर मान रहे हैं किसको नहीं मान रहे मुसाफिर मान रहे हैं तो ठीक है कसर करेगा नहीं तो नहीं करेगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं और एक सवाल ये पूछना था कि जैसे इंसान के जिसम के अंदर जान होता है ना तो जान मतलब जैसे किसी का भी हो इंसान का हो या जानवर का जान तो जान होता है मतलब तो जैसे किसी का जान लेना नाहक वो गुनाह है जैसे कत्ल हो जाता है ना कत्ल का जैसा गुनाह मिलता है अगर नाहक मतलब जान ले लिया जाए तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जान की कीमत सबकी होती है तो जैसे उसका सब च्यूटी वगैरह और कीड़वा वगैरह का होता है जैसे नल वल पे रहते नहीं हैं जैसे नल वल पे जैसे पानी लाने जाओ तो कभी चूटियाँ ऐसे रेंगती रहती हैं या कभी कोई कीड़ा वगैरह रेंगते रहते हैं तो वैसे नल वल चला दो तो, तो पानी के साथ वो उसी में बह जाते हैं तो सब वो मरहित हो जाते होंगे तो ऐसा मतलब या कीड़ा वगैरह जैसे कीड़ जैसे जो बारिश वारिश होता है तो कीड़ा उस दिन लाइट के रोशनी से कितने सारे कीड़े गिरते हैं तो उसमें भी अगर कहीं वजह खाना वाना पे जाओ जैसे तो उसमें कीड़े रहते हैं तो अगर पानी चला दोगे तो उसी के साथ बह जाते हैं तो भी सब सुंदमार हो जाते होंगे तो मतलब जान की जैसे बहुत कीमत होती है तो इसका गुना नहीं लगेगा क्या है? जैसे हम लोग हमसे अगर गलती हो गई जैसे पानी डाल दिया हो चली गई मर गई पानी के साथ तो इसका मतलब इसका गुनाह नहीं लेगा कैसा क्या है इसके बारे में थोड़ा भी बता दीजिए भाई साहब का कहना यह कि जान की कीमत होती है तो जैसे कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं तो क्या उस पर गुनाह नहीं मिलेगा देखिए सबसे पहले तो आपने इंसानी जान और कीड़े मकोड़े की जान को बराबर कर दिया ये आपकी बहुत बड़ी गलत है इंसानी जान और जानवर की जान इसमें बहुत फ़र्क है ऐसा नहीं कि हर जान का एक ही स्टेटस है एक ही मकाम है हर नहीं इंसान इस धरती का सबसे अशरफ और सबसे बेहतरीन मखलूक है और बाकी जो हैवाना हैं उनका वो मकाम नहीं है इंसान जैसा मकाम नहीं है ये पूरी दुनिया जानती है इंसान जिस तरह से तरक्की कर रहा है जिस तरह से उसे, उसे कामयाबियाँ मिल रही हैं और जिस तरह से उसका दबदबा है रोए ज़मीन पर वैसा किसी जानवर का नहीं चाहे वो हाथी हो चाहे वो शेर हो किसी के अंदर वो सलाहित नहीं है तो इंसान एक अलग चीज़ है और जानवर वो भी कीड़े मकोड़े तो उनकी इंसान के सामने कोई हैसियत नहीं है वह ख़ल का माफिल अर्ज जमी ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई हैं तो इंसान की जब बात आएगी इंसान के मफाद की बात आएगी और इंसान के तहफ़ की बात आएगी तो वहाँ किसी भी जान की कोई हैसियत नहीं है इंसान के अलावा दूसरे जानों की कोई हैसियत नहीं है बल्कि कितने जानदार हैं अल्लाह ताली ने हमें उन्हें बनाया ही इसलिए था कि इंसान की गज़ा हो यानी बकरी है बहुत सारे परिंदे हैं तो उनको अल्लाह ने उनको पैदा किया है हमारी गज़ा के लिए इंसानों के खाने के लिए उनको पैदा किया है तो पहले तो ये जहन में बैठा लें कि इंसान की जान और दूसरी जानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ठीक है इंसान के गज़ा के लिए दूसरी जानवरों की कुर्बानी होती है उनको ज़बह किया जाता है ये अल्लाह तला का हुक्म है तो अल्लाह तला ने इंसान के लिए उनको पैदा किया है तो ये कहना कि इंसान की जान की कीमत है तो उसकी जान की भी कीमत है ये गलत बात है और कुरान में जो कहा गया ना कि ना हक किसी को कत्ल कर देगा तो बहुत बड़ा गुना है वो इंसान को मारने की बात है जानवर को मारने की बात नहीं है वो इंसान को मारने की बात है कि नहा किसी को मार दिया अब रहा मसला ये कि जो आपको ये फिक्र है कि कीड़े मकोड़े हैं आप नल चलाते हैं बह जाते हैं लाइट से मर जाते हैं वगैरह वगैरह अरे भाई आप और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए लोगों से मिलिए आपको पता चलेगा कि आप जो एक गिलास पानी पीते हैं उसमें कितने जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं तो अगर आप इस तरह से चाहें कि किसी जानदार को नहीं मारें तो आप ज़िंदा रह लें तो आपको खुद को मारना पड़ेगा आप जिंदा ही नहीं रह सकते बगैर जानदार को मारे और आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी सांसों के लिए अगर दूसरे जानदारों की कुर्बानी ना हो तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता इसलिए आपको शायद ये नहीं मालूम है कि खाने पीने की जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बेशुमार जानदार होते हैं जो आपके हल्क के नीचे आते हैं आपके पेट में आते हैं आप रोज़ाना खाते हैं उनको आप जो हवा में सांस लेते हैं उसमें कितने जानदार रहते हैं आप सांस नहीं ले सकते आप पानी नहीं पी सकते आप कुछ खा नहीं सकते अगर आप ये देखेंगे तो बहरहाल ये जो आप कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं अगर इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो उनको मार सकते हैं उनको भगा सकते हैं कोई मसला नहीं बिला वजह किसी जानदार को भी नहीं मारना चाहिए ये भी है यानी इस्लाम ने यह भी सिखाया है कि जो जानदार आपके लिए नुकसानदेह नहीं है आप उसको नहीं मारेंगे मसलन कोई किसी परिंदे को पकड़ के आप मारने लगें बिला वजह उसको खाना भी नहीं है ऐसे मार रहे हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है जानवरों पर रहम सिखाया है लेकिन जो जानवर आपके लिए मुसीबत बन जाए आपके लिए परेशानी के सबब बन जाए तो ऐसे जानवरों को आप मार सकते हैं तो ये कीड़े मकोड़े जो आपके लिए परेशानी का सब बन जाए तो आप इनको मार सकते हैं मसला नहीं। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वालेकुम मेरा नाम शकील अहमद है मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ मेरा सवाल था तजदीद निकाह और तजदीद ईमान के हवाले से ऐसा किस सूरत में कर सकते हैं क्या ये ऐसा करना सही है और अगर कोई शक पैदा हो जाए दिल में कि हमने बीवी से कोई ऐसे अल्फाज मुँह से निकल गए हों जिसकी वजह से हमारे निकाह पे कोई फ़र्क पड़ गया हो या हमारे मुँह से कोई ऐसे अल्फाज निकल गए हों जिससे हमारे ईमान में कोई फ़र्क़ पड़ गया हो और हमें उसका कुछ पता ना हो लेकिन बाद में ऐसा कुछ ख्याल आए शक की बिना पर तो क्या हमें चाहिए कि हम तस्दीद निकाह फिर से करें और तस्दीद ईमान फिर से करें और ऐसा इसका क्या तरीका है और बस मेरा यही सवाल है और उम्मीद है कि आप जल्द हमें जवाब देंगे भाई साहब का पूछना है कि तजीद ईमान और तजीदीद निकाह क्या चीज़ है तो देखिए ये अहले बिज़त ने मशहूर करके रखा है तजीद ईमान तजीद निकाह ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपके मुँह से अगर नादानिस्ता तौर पर कोई बात निकल गई उसका कोई अतबार नहीं है आपको तजीदीद ईमान करने की जरूरत है ना तजदीद निकाह करने की जरूरत है तो आप ये टेंशन ना लें ये कुछ बिदतियों ने ये चीज़ फैला के रखी है कि किसी ने कोई कुफ्रिया कलमा कह दिया तो अब उसको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है इसकी बहुत सारे दलाल मौजूद हैं लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाते हैं ख़ुलासा यह है कि कुरान हदीस में तजदीद ईमान और तजदीद निका की कोई तालीम नहीं मिलती है अल्लाह के वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी साहबिक का तजदीदे ईमान कराया गया है तजदीद निकाय कराया हुआ वो सही बात है ना कि सहाबिक राम जा रहे थे तो एक साहबी ने कहा कि ये जो यो अनवा थे मश्रिकीन के लिए ऐसे हमारे लिए भी कोई पेड़ बना दीजिए हम भी उसका तवाफ़ करेंगे तो अल्लाह के नबी सल वसम गुस्सा हो गए और कहा कि तुमने तो वही बात कह दी जो मुसाला इस्लाम के साथियों ने कही थी कि हमारे लिए महूद बना दो यानी जो शिरक का मुतालबा कर लिया था उनकी कौम ने लेकिन मिसाइली इस्लाम ने भी अपने उन साथियों को काफ़िर नहीं कहा तस्दीर ईमान नहीं करवाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा के ईमान की तस्द नहीं करवाई निकाह की तस्दी करवाई तो अगर किसी के मतलब नादानी में कोई बात निकल जाती है तो उसकी सलाह की जाती है उसको बताया जाता है ना ये कि उसकी वजह से किसी को काफिर कह दें किसी का निकाह तोड़ दें तो ये सब बेकार की बातें हैं आप इन चक्करों में मत पड़िए जो हो गया अगर मुँह से कुछ निकल भी गया तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कुछ गलती हो गई उसकी सलाह कीजिए लेकिन ये तजद ईमान तजदीय निकाह क्या चीज़ है ये सब खुराफा बिदती ने फैला के रखी है सलफ़ में सहाबे ग्राम के दौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कुम वरह वक् शेख मेरा नाम मोहम्मद है मैं गुजरात से बोल रहा हूँ मेरा एक मसला है कि जहाँ मैं काम करता हूँ उसके करीब 100 या 120 मीटर के दरमियान एक मस्जिद है जो हनफी मसलक वालों की है उसमें आजान होती है और बहुत तेज साउंड में हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचती है और हम लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं तकरीबन तीस लोग हैं तो हम मस्जिद में नहीं जाते हैं कुछ लोगों का कहना है अहले हदीस मौलवियों का वो कहते हैं कि आपकी नमाज उनके पीछे नहीं होगी तो हमने पूछा क्यों नहीं होगी जब हम उनके सलाम का जवाब देते हैं उनको सलाम करते हैं उनकी आज़ान का जवाब देते हैं तो फिर नमाज़ क्यों नहीं होगी तो वो कहते हैं कि वो उनका अकीदा सही नहीं है और वो ताबीज़ वग़ैरह गंडा करते हैं तो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमने कहा कि आप जिस तरह आप हमें ताक़द कर रहे हैं नसीहत कर रहे हैं कि उनके पीछे ना जाए उनके पीछे नमाज नहीं होगी ये चीज़ आप उनको कहिए ना कि वो सुन्नत के मुताबिक करें उनकी असलाह हो गई काफ़ी लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो वो कहते हैं वहाँ जाने से फितना होगा तो हमें क्या करना चाहिए इसके तहत कुछ लोग अपने यहाँ खाते खाते में ही जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं और इनमें एक भी फ़र्द ऐसे नहीं हैं जो सही से क़ुरान भी पढ़ सके एक मसला ये है और मेरा एक मसला और है सक इस सिलसिले में कि मैं जिस घर में रहता हूँ मेरा किराए का घर है उस घर की दीवार मस्जिद की दीवार से जुड़ी हुई है और वहाँ भी અને ફિ મસલા કોલોં કી મસ્જિદ હે ઓર ઉન મસ્જિદ મે અમે જાનને સે મના કિયા જાતા હે ઓર મે ઇસ મસલે મે બહોત કસમાકસ મે હું કે હમે ક્યા કરના ચાહીએ જબ હમ ઉનકો મુસલમાન સમજેતે હે ઉનકે આઝાન કા જવાબ dete હે ઉનકે સલામ કા જવાબ dete હે સલામ karte હે તો ક્યા સિર્ફ કોઈ સુન્નત કે ખિલાફ નમાઝ પડે ઇલમ ઇલમ હોને કે બાદ يا બિલમી મે તો ક્યા હમે ઇસ વજહ સે ઉનકે પીછે નમાઝ નહીં પડના ચાહીએ અગર નહીં પડના ચાહીએ તો મુજે कुरान की किस आयत में या अल्लाह के रसूल ने किस हदीस में इस चीज़ को मना फरमाया है ज़रा मुझे बताएँ जजाकुम अल्लाम वरम्बर भाई साहब ने कई सवाल किए हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे बड़ा गुनाह शिरक है सबसे बड़ा गुनाह कुफ़्र है ये सबसे पहले अपने जहन में बिठाएंगे तो आपको जो मैं कहने जा रहा हूँ वो समझने में आसानी होगी शिरक और कुफ़्र से बड़ा गुनाह कोई नहीं है बहुत बड़ा गुनाह भयानक गुनाह है उसके अलावा दूसरे गुनाह आते हैं शराब पीना चोरी करना ये सब बात की चीज़ें सबसे बड़ा गुनाह है शिरक़ और कुफर है ठीक है अब आइए इस बात को समझिए जो आप ये कह रहे हैं कि कोई शख्स ऐसा है जिसका अकीदा सही नहीं कुछ है कुछ अहले हदीस सरारत कहते हैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप इस बहस में मत जाइए कि उनके पीछे नमाज जायज़ है या जायज़ नहीं है लेकिन जिस शख्स का अकीदा ख़राब है जो शर्की अकीदा रखता है कुफरी अकीदा रखता है उसके पीछे कतई नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो शिर्क और कुफ्र वाला अकीदा लिए फिरता है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए चाहे आपको अकेले नमाज़ पढ़ना पड़े अलग से चंद लोगों को लेकर नमाज़ पढ़ना पड़े लेकिन ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो शिरकिया और अकीदा अखीदा अकीदा रखते हैं देखिए एक चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगर किसी को अपनी लड़की की शादी करना हो जिस लड़के से वो रिश्ता बना रहा है पता चल जाए कि वो शराबी है वो जुआरी है वो नशा करता है तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई भी गुनाह है शर्क से बड़ा नहीं है शिरक सबसे बड़ा गुनाह है लेकिन क्या यह सब जानने के बाद कोई ये कहेगा किसी आलिम से ये पूछेगा कि उसकी उससे शादी जायज है कि नहीं है और कहे कि जब शादी जायज़ है उससे सलाम कर सकते हैं उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो लड़की को नहीं दे सकते क्या ऐसे आदमी को आप लड़की देंगे जो शराब पीता है जो जुआ खेलता है जो नशा करता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप इसको सलाम कर सकते हैं वो सलाम का जवाब देता है आप इसको मुसलमान मानते हैं सब कुछ मानते हैं और शादी जायज़ भी मानते हैं तो फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे क्योंकि ये गलतियाँ उसके पास हैं तो ऐसे ही कोई इमाम है जो इससे भी भयानक गलतियाँ कर रहा है यानी शिर कर रहा है कुफ्र कर रहा है भले वो इसको शिरकुफ ना जाने लेकिन आपको तो पता है ना कि ये ये कितना बड़ा गुनाह है जैसे कोई शराब पी रहा है उसको नहीं मालूम कितनी बड़ी गलती कर रहा है लेकिन आपको तो पता है ना कि बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है तो आप उसके करीब नहीं जाएंगे तो ऐसे जो शिर कर रहा है कुफ्र कर रहा है वो उससे भी बड़ा मुजरिम है उससे भी बड़े गुनाह में मुलविस है तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और ये बहस नहीं उठाना चाहिए कि उसके पीछे नमाज जायज़ है कि जायज़ नहीं है ये फतवा नहीं देना चाहिए कि नमाज जायज़ है ना जायज़ जैसे कोई शराबी कबाबी है उससे शादी करना हो तो आप ये फतवा नहीं लगाएंगे वो काफिर है आप कहेंगे उससे रिश्ता नहीं करना बात खत्म आप ही नहीं कहेंगे वो काफिर है इसलिए रिश्ता नहीं करेंगे वो मुसलमान नहीं इसलिए रिश्ता नहीं करेंगे बस आप उसको उसकी तकफीर किए बगैर उसको काफिर किए बगैर और उससे शादी करने को नाजायज़ भी आप नहीं बोलेंगे फिर भी आप क्या कहेंगे आप कहेंगे शादी नहीं करना तो यही मसला नमाज का भी है कोई शिरक या अकीदा रखता है तो हम उसको काफ़िर नहीं कहेंगे हम ना ये भी नहीं कहेंगे उसके पीछे नमाज नहीं होती लेकिन उसके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ना जो शिरक या कुफिया अकीदा रखता उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए आ, ये बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ा गुनाह है शिरकुफ इसलिए ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और आपने कहा है कि कुछ लोग हैं जो एक साथ नमाज पढ़ते हैं सही ढंग से कुरान पढ़ना नहीं आता है सही ढंग से कुरान नहीं पढ़ना आता है लेकिन जो शिरक़ और कुफ़्र कर रहे हैं उनसे तो लाख दर्जा बेहतर है घर सही ढंग से कुरान पढ़ना नहीं आता है लेकिन ये उनसे तो बेहतर है हज़ार दर्जा बेहतर है लाखों करोड़ों दर्जा बेहतर है जो शिरक और कुफ़्र कर रहे हैं तो इसलिए उनसे तो बेहतर है तो उनको आप सिखाइए उनको आप तरबीत दीजिए कि सही से कुरान पढ़ें लेकिन गलत पढ़ रहे हैं तो भी उनसे तो बेहतर ही है जो शिरक और कुफ्र कर रहे हैं जो इमाम शर्क कुफ्र अकीदा रखता है उसके पीछे नमाज़ पढ़ने से तो बेहतर है कि ऐसे जाहलों के पीछे आप नमाज़ पढ़ लें जिनको सही ढंग से कुरान पढ़ना नहीं आता है तो इसलिए ये दुनियावी मामला में तो आप कैसा ठोक बजा के लेते हैं आप दुकानदारों में ये नहीं कहते किसी भी दुकान से कोई सामान उठा लो हाँ तो आप देखेंगे ब्रांडिंग देखेंगे ब्रांड क्या है आपको मोबाइल लेना तो कहेंगे सारे झगड़े ख़त्म करो किसी भी शॉप से कोई भी मोबाइल उठा लो ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जब दीन का मसला है और नमाज जो इस्लाम की अहम तरीन इबादत है उसके मामले में इतनी सुस्ती कि आँख बंद करके कहीं भी जाके नमाज़ पढ़ लो तो ये तरीका नहीं होना चाहिए और आपने बड़ी प्यारी बात पूछी है कि ये कहाँ लिखा है कि ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना सही बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लू कमर रई तुमनी वसली नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो अब अगर ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो शिरक उफुर तो बहुत दूर की बात है इतनी चीज़ काफ़ी है उनके पीछे नमा न पढ़ने के लिए कि अगर हम किसी को देख रहे हैं जो नबी के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहा का ही उसके साथ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़े नमाज़ है उसी तरीके पर भी हमको नमाज पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जब आपको पता है कि नमाज पढ़ने का यह तरीका है और आपको मालूम है कि एक ऐसे इमाम के पीछे खड़े हैं जो इन तरीक़ों पर अमल ही नहीं करता है फिर भी जाके वहाँ पे खड़े होना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का क्या मतलब है सल लोक मारा आय तो मुनी वसली नमाज़ वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो और ऐसे ही जो आपने सवाल किया कि कहाँ लिखा है कि ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको अपनी बेटी का रिश्ता करना हो और आपके सामने कोई शराबी है कबाबी है मतलब ये है तो आप कोई कहे कि ऐसे लोगों से शादी मत करो तो आप कहेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है कि शादी करना हराम और नाजायज है कहीं पे कुरान और हदीस में कोई आयत नहीं है जिसमें लिखा हो कि शराबी से शादी करना हराम है नाजायज़ है ये मिलेगा आपको कि दीनदारी को तरजीह देना चाहिए ये मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको कि जो दीनदार नहीं उससे शादी करना हराम और नाजायज़ है ये नहीं मिलेगा तो ऐसे इमामत के बारे में तो मिलता है ना कि जो ज़्यादा बड़ा आलिम हो इमाम किसको बनाना चाहिए जो आलम हो जो मुत्तकी हो तो इमामत के लिए भी कुछ शर्तें हैं ना कि ऐसे किसी को भी खड़ा करते इमामत के लिए तो जैसे रिश्ते के बारे में ताकीद की गई है कि दीनदार से रिश्ता करो ऐसे इमामत के बारे में भी ताकीद की गई कि इमाम किसको बनाना है इमाम उसको बनाना है जो सबसे ज्यादा जानकार हो हाँ जो नमाज़ के सही ढंग से पढ़ता हो जिसका अकैदा है इनो इमामत के लायक ही नहीं है वो इमाम बनाने के लायक ही नहीं तो उसके पीछे जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो खुलासा क़लाम ये कि जो बदाक़ीदा है जिसका अदा ख़राब है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन साथ में इस बहस को नहीं उठाना चाहिए कि वो मुसलमान है या काफ़िर है या उसके पीछे नमाज जायज़ है नाजायज़ इस बहस से बचते हुए उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए जो सहीदा लोग हैं उन्हीं के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा नाजरिन वक्त ख़त्म हो चुका है यहीं पर यह प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में आपके सामने ये फिर वाजे करते हैं कि अगर आपके भी सवालत हों इस प्रोग्राम के जरिए उनके जवाब जानना चाहते हों तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर को आप नोट कर लें और इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर लेकिन याद रखें जो सवाल वीडियो और ऑडियो में हमको मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हीं को चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो इस तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी क्योंकि जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ नाजरिन इसी के साथ दीजिए इजाज़त इन फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ वरम्हि वरक